अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम टैमग इसका चेक करवाएंगे। ये है इंजन 3UR, इसकी केम की पोजीशन, फेयरिंग ऑर्डर और इसकी केमों की पोजीशन कंप्लीट आपको चेक करवाएंगे। केम किस जगह पर फिट होती है, राइट और लेफ्ट की तरफ से, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी टैमग है टॉप वाली। ये है राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से भी सेम आती है इसकी। जो केमो की पोजीशन है वो राइट और लेफ्ट साइड से फ़र्क आता है इनों में। ये है टैमर के अमूद क्रेंक की, जो क्रेंक की फेयरिंग ऑर्डर है इसका टैमर का, ये सेम आएगा। जब आप एक नंबर पिस्टन को टॉप पे कर लेंगे तो ये निशान का लोकेशन नीचे को हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से एक नंबर है। ये टॉप राइट और लेफ्ट की तरफ से होंगे। ये जो गेम पोजीशन है इसकी, ये इसके टाके, इस पर सेंसर चलते हैं, सेंसर वर्किंग करते हैं। ये कंप्लीट वीडियो है राइट और लेफ्ट की तरफ। ये हम आपको चेक करवा रहे हैं लेफ्ट की तरफ से। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर न्यू वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ से गेमिंग का निशान है। और ये जैसा कि इधर आप चाबी लगती है 24 नंबर, और ये इधर ये भी 24 नंबर चाबी लगती है, फिट होती है 24 नंबर चाबी से आप वर्किंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो है। अगर आपकी गाड़ी में भी टैमे की प्रॉब्लम है, टैमे का लाजम अच्छी तरह से फिट किया करें। ये है राइट की तरफ से, ये केमो की पोजीशन है। जो मेन केम है इसके ऊपर को होंगे, ये वाले टाके जो हैं ये ऊपर को होंगे, छोटी वाली से वो लेफ़्ट की तरफ से घूमे होंगे। ये इसकी केम है। ये ज़्यादा नहीं सीधे होने चाहिए, थोड़े से टेढ़े होने चाहिए। ये एंड वाले भी आप देख सकते हैं, आखिर वाले, लास्ट वाले, जैसा कि लास्ट वाले भी आप देख सकते हैं 8 नंबर। इसकी जो राइट तरफ से 2 नंबर आता है, लेफ़्ट तरफ से 1 नंबर आता है। इसकी केम पोजीशन है लेफ़्ट तरफ से 1 है, राइट तरफ से 2 नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 नंबर है, केम पोजीशन नंबर है 1। 1 नंबर पर भी ये फिट होते हैं, राइट और लेफ़्ट की तरफ से दोनों तरफ से ही 1 नंबर फिट होता है। 1 नंबर पर आप फिट कर सकते हैं, 2 नंबर पर फिट ना करें, क्योंकि ये एवेलॉन हो गई गाड़ी, ये दूसरे इंजन है, एवेलॉन वगैरह इंजन के, टोयोटा कैमरी का इंजन के, उसके या प्राडो का इंजन है, उसका ये राइट नंबर से 1 नंबर होगा, लेफ्ट नंबर से 2 नंबर पर फिट कर सकते हैं। जो 3UR इंजन है टोयोटा स्कोया का, ये भी इसके टक है राइट लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट तरफ से, इसमें भी फ़र्क आता है। जो टोयोटा स्कोया है इसके दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों ही टैमक 1-1 नंबर पर फिट होते हैं, मेन टैमिक और राइट टैमक लेफ्ट सेम पोजीशन होंगे। इसकी केमो का पोजीशन की फ़र्क होगा राइट और लेफ्ट तरफ से। जो क्लच है, केम के क्लच है, इसकी फेयरिंग ऑर्डर सेम होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ना 1 नंबर का ना 2 नंबर का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्री है, और इस तरफ से 1 नंबर जो है 2 नंबर है, इस पे ये टक दिए हुए हैं केमो में। ये राइट और लेफ्ट में नहीं फिट कर सकते हैं आप, अगर राइट लेफ्ट में फिट करेंगे ये प्रॉब्लम करेगी। जैसा कि आप तार की मदद से टैमग जो पिस्टन है टॉप पर चेक कर सकते हैं, टॉप पर है या नहीं है। 1 नंबर प्लग आप खोल लें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर और ये 7 नंबर है। ये लेफ़्ट की तरफ से 1, 3, 5 और 7 नंबर ठीक हो गया। ऐसे ही राइट साइड से जो 2 नंबर हेड है, ये है 2 नंबर, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 राइट तरफ से 2, 4, 6, 8 है, और जो लेफ़्ट तरफ से है 1, 3, 5, 7 है। ऐसे ही और टिक्स एंड टिप्स जाने के लिए हमारा टिकटॉक पेज कार रिपेयरिंग शॉप फॉलो करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। यह इसकी ज़ीरो साइज पर फिट हो गई है पूरी। हम गाड़ी को अभी स्टार्ट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी ओके है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।